नमस्कार आप सभी को और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को और हमारे चैनल पार्टनर्स के जितने मेंबर यहाँ आए हैं उन सभी को नमस्कार। अंत में बोलने का ये फ़ायदा है कि सारी चीज़ सर लोगों ने बोल चुके हैं ऑलमोस्ट। मैं कुछ मतलब फिर भी अगर मंच पर बोलना है तो थोड़ा सा मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप हमारे एक्सटेंडेड पार्टनर हैं, एक्सटेंडेड हैंड हैं। हर जगह बैंक की शाखा नहीं खोली जा सकती है या नहीं खोलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। तो जितनी शाखाएं हैं किसी भी बैंक की, जैसे मैं अपने ही बैंक का एग्जांपल दूं तो हमारी मोर देन 3200 शाखाएं हैं पैन इंडिया में, बट मोर देन 9000 बीसीज हैं। मतलब आप लोगों के थ्रू हम लोग हर एरिए में, गाँव के एक एक कोने में पहुँच पा रहे हैं, बैंकिंग सर्विस दे पा रहे हैं कस्टमर्स को। और आप लोगों के थ्रू ही जितने भी सरकार की योजनाएँ हैं, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो, जनधन खाते खोलने हो, सभी को सभी का जीवन बीमा सुनिश्चित करना हो, वो सारा पॉसिबल बैंक आप ही लोगों के द्वारा कर पाता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उसमें फ़ायदा हम दोनों का है। देखिए, हम बैंक हो या फिर आप हो, आपका हमारा हो रहा है कि हमारा कस्टमर बेस बढ़ रहा है। वो सारे कस्टमर जिनके खाते आप खोलते हैं कहीं ना कहीं हमसे जोड़ रहे हैं, तो बैंक का कस्टमर बेस बढ़ रहा है, बैंक का कासा ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ हर क्रॉस सेलिंग के लिए एक कस्टमर हमें मिल रहा है। आपके लिए ये फ़ायदा है कि आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है जिससे आप अपना पालन पोषण कर सकते हैं, आपने कुछ पढ़ाई लिखाई किया है उसका एक यूज हो रहा है, और आपकी एक पहचान बनती है समाज में, एक आइडेंटिटी बनती है। कहीं ना कहीं जिस बैंक का आपके पास आई कार्ड होता है, आप उस बैंक के एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह उस एरिया में काम करते हैं। तो हर तरीके से बैंक की छवि को, अपनी छवि को, हम लोग को सबको साफ सुथरा रखना है ताकि लोगों का विश्वास हम पे बना रहे। सारे सर ने इथिक्स की बात की, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार अगर कहीं कोई चीट करता है, कोई एक करता है, लेकिन बदनामी सबकी होती है। आप जितने लोग हैं, हर कोई का फेथ कहीं ना कहीं, मतलब ट्रस्ट डेफिसिट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जिस भी काम को कर रहे हैं ईमानदारी से, तन्मयता से करें। और जैसा सर ने बताया कि आप लोग सिर्फ ट्रांजेक्शन इंश्योरेंस उस पर ही सीमित ना रहें। मैं अपने बैंक की बात करूँ तो हम लोगों ने एक DSA का कंसेप्ट है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के तहत आप बैंक से जुड़ सकते हैं, जिसमें अगर आप बैंक को लोन का लीड ला करके देते हैं, होम लोन का लीड ला करके देते हैं, तो आपको अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है। तो आप एक 40-50 लाख का होम लोन होता है तो उसमें आपको 0.75% कमीशन, एक हैंडसम अमाउंट होता है जितना पूरे मंथ में ट्रांजेक्शन करके शायद आपको मिलता है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाएं, क्योंकि आज के डेट में जो एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ ट्रांजेक्शन के थ्रू करके हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अपने इनकम को आप लोग बढ़ाइए। और जैसा एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी 25th में से प्रीमियम सारा डेबिट होगा। जिन लोगों का इंश्योरेंस आप लोगों ने कराया होगा उनको ये बताइए कि वो इंश्योर करें अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखना, क्योंकि इस मंथ के एंड में जो प्रीमियम डेबिट होगा, रिन्यूअल होगा इंश्योरेंस का, उसके लिए बैलेंस रहना ज़रूरी है। तो सभी खातों में आप लोग सुनिश्चित करिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना जो CSP सेंटर है वहाँ से थोड़ा अपना स्कोप बढ़ाइए। आप गांव में जा करके, जैसा एक सर ने बताया कि कहीं मंडी में, मार्केट में, वहाँ जा करके भी अपना अकाउंट ओपनिंग का जो कैंप है वो करिए। जो जीविका के थ्रू जितने जीविका मेंबर का वो ग्रुप बनाते हैं, उनका मेंबर का अकाउंट खुलता है, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि हर एक मेंबर का सेविंग अकाउंट आप गांव में जा करके खोलें, उनका हर किसी का इंश्योरेंस करें, उनके थ्रू ये पता करें कि उनके फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस है कि नहीं, वो सुनिश्चित करें। तो इससे आपका बेस बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे, और इस तरह से हम लोगों का जो कंटिन्यूटी है इनकम जनरेशन का और बिजनेस एक्सपेंड करने का, वो बना रहेगा। थैंक यू। संजीवनी को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी, अखिलेश सर को, उज्ज्वल जी को, जिन्होंने इस मंच पर आने का मौका दिया, और इतने सम्मान के लिए धन्यवाद।